चलिए आज हमारा टॉपिक है अनदर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेल्पफुल फॉर द न्यूमेरिकल ऑल्सो नेम्ड इज किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ के इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूल्स, दो रूल होते हैं, एक रूल है जंक्शन रूल, एक रूल है लूप रूल, दोनों को स्टडी करते हैं। क्या है, इन्हें कैसे अप्लाई करना है। सो किरचॉफ रूल लॉज भी कहते हैं इन्हें, दो हैं, एक है जंक्शन रूल एंड वन इज लूप रूल। जंक्शन रूल में क्या होता है कि इट स्टेट्स दैट, लैंग्वेज देख लीजिए फिर देखते हैं आगे क्या है। इट स्टेट्स दैट एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज जीरो, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। सपोज ये एक जंक्शन है, कोई सर्किट है, उसमें बहुत सारे वायर किसी एक पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, किसी वायर में करंट उस पॉइंट की तरफ करंट आ रही है, किसी वायर के थ्रू उस करंट जा रही है, मींस इनकमिंग ऑफ करंट भी है आउटगोइंग भी है। तो हमने रैंडमली पांच वायर यहां पर कनेक्ट किए हुए हैं, करंट दिखाई हुई है सब में I1, I2, I3, I4, I5। I1 इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, जिस पॉइंट पर ये सारे वायर जाके मिल रहे हैं ये है जंक्शन। जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से करंट आ भी रही है और जा भी रही है, इसलिए जंक्शन उस पॉइंट को बोला जाता है जहाँ से दोनों चीज़ें पॉसिबल हो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, जंक्शन फॉर करंट। ओके, इनकमिंग करंट इज पॉसिबल, करंट आ भी सकती है और वहाँ से जा भी सकती है, जैसा कि रेलवे स्टेशन में आपने देखा है। रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन जंक्शन कहलाता है जहाँ पर ट्रेन आ भी सकती है और कहीं जा भी सकती है, अलग अलग डायरेक्शन से आ भी सकती है और अलग अलग डायरेक्शन में जा भी सकती है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है कि इट स्टेट्स दैट एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम, यानी कि साइन के साथ लेना है। अब दो टाइप की करंट हो गई, या तो इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है, या तो करंट आ रही है या जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो किसी एक करंट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे और दूसरी करंट को हम बोलेंगे कि वो निगेटिव है, उसी को एल्जेब्रिक सम बोला जाएगा। अगर इसे हम अप्लाई करेंगे जंक्शन के लिए, तो जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसे मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं और जो जा रही है उसे नेगेटिव लेने वाला हूं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, जो आ रही है उसको नेगेटिव अगर लेते हैं तो जो जा रही है उसको पॉजिटिव लेना है, रिजल्ट दोनों से सेम मिलेगा। देखिए फिलहाल इनकमिंग करंट I1 आ रही है, आपको इस तरह से लिखना है I1, फिर प्लस लगाना है, देन I2 इज लीविंग द जंक्शन तो माइनस I2, फिर प्लस लगाना है, थर्ड वन कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, ये देखिए जंक्शन की तरफ जा रही है, जंक्शन का पॉइंट लिख दीजिए A, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, I3, फिर प्लस लगाइए, I4 को देखिए, इट इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, ये भी पॉजिटिव रहेगी, प्लस I5 इज लीविंग द जंक्शन माइनस I5 और इज इक्वल टू हो गया जीरो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा I1 प्लस I3 प्लस I4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस I2 प्लस माइनस माइनस I5, दोनों माइनस वाले उधर भेज देंगे तो कितना हो गया I2 प्लस I5। इससे एक और रिजल्ट आपका बन गया जिसे आप याद रख सकते हैं, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट नेट करंट लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन अप्रोचिंग द जंक्शन। देख लीजिए I1, I3, I4 ये जंक्शन की तरफ आने वाली टोटल करंट हो गई, और I2 और I5 को अगर जोड़ देंगे आपस में ऐड कर देंगे तो ये जंक्शन को छोड़ के जाने वाली करंट है, यानी कि नेट करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग टूवर्ड्स द जंक्शन फ्रॉम द जंक्शन। ये एक फर्दर रिजल्ट इसका है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज पर योर कन्वीनियंस वी कैन अप्लाई दिस, वेरी मच हेल्पफुल, आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कैसे हेल्प करेगा। इसमें ये जो जंक्शन रूल होता है इट इज बेस्ड ऑन सारा खेल करंट का है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T या DQ/DT रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी पूछते हैं कई बार, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पर डिपेंडेंट है। ये है आपका फर्स्ट रूल किरचॉफ का लूप रूल, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप एज पर योर कन्वीनियंस एनी जंक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उस जंक्शन से चार पांच वायर हों, दो वायर हों, तीन हों, जितने भी वायर हों, एक से ज़्यादा ही होने चाहिए तभी जंक्शन बनेगा। ओके, आज आ जाते हैं लूप रूल, ये थोड़ा सा ईजी है याद रखना, इसको अप्लाई करना भी आसान है।
लूप रूल में देखिए, थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं आप इसे, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए लूप रूल, लूप से पता चल रहा है सर्किट के अंदर जो भी लूप होगा, जो घेरा आपको नजर आएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, दैट घेरा वुड बी नोन एज द लूप। ठीक है, जैसे एक सर्किट मैंने बनाया, इस सर्किट के अंदर कितने लूप आपको नजर आ रहे हैं, कितने घेरे हैं, कितने घेरे हैं, एक घेरा ये है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। तो एक तो ए बी सी एफ ए, ये एक कंप्लीट लूप है, एक एफ सी डी ई एफ है, एक ए से स्टार्ट करके आप यहां से भी आ सकते हैं ऐसे। तो लूप तभी बनेगा जिस पॉइंट से आप सर्किट में स्टार्ट करते हैं, उसी पॉइंट पर किसी भी रास्ते को ट्रेवल करते हुए आपको आ जाना है लौट के, वो एक लूप है। ओके, उसको कहते हैं लूप। बहुत सारे लूप किसी भी सर्किट में पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी आप देख पाएं, अप्लाई कर पाएं, हर लूप में सेम प्रॉपर्टी होगी, वो सेम प्रॉपर्टी मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखी है। इसको अप्लाई करना ही अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, स्टेट्स दैट द इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज होना चाहिए, खुला नहीं हो वायर कहीं से, बंद रहना चाहिए वायर पूरा, तभी वो लूप बनेगा, वरना फिर लूप नहीं है। ओके, सो इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। मैथमेटिकल फॉर्म में ये है, बहुत सी बुक में ये भी डेफिनेशन में लिखा होता है कि एज पर लूप रूल, लूप लॉ गिवन बाय किरचॉफ द, इसको इलेबोरेट कर देते हैं। कैसे इलेबोरेट करेंगे, एलजेब्रिक सम ऑफ इन एनी ऑफ द क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग, एलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट लूप। ये इस तरह से भी इलेबोरेट करके दे दिया जाता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। फिलहाल आपको इसे अप्लाई करना सीखना है कि लूप रूल को आप अप्लाई कैसे करेंगे, यही अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। लूप के अंदर सबसे पहले डायरेक्शन सेट करनी है, जैसे डायरेक्शन किसकी होती है, डायरेक्शन हमारी होती है। आपको अज्यूम करना है कि जैसे आप ही लूप में चल रहे हैं। ओके, तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और उसी पॉइंट पर आपको लौट के वापस आना है। जैसे कि मैं लूप लेता हूं, इन लूप सी से स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से ले रहा हूं, सी बी ए एफ सी, यानी कि सी टू बी टू ए टू एफ टू सी, ऐसे चल रहा हूं मैं। तो ये मेरी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ लूप में, जैसे चाहे आप वैसे चल सकते हैं। उसी डायरेक्शन में चलते हुए आपको लौट के वापस आना है, ये नहीं कि आप दो कदम तो ऐसे गए फिर वापस लौट के, नहीं ऐसे नहीं करना। या तो क्लॉकवाइज चलिए, पूरा लूप कंप्लीट करिए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए। आप अलग अलग लूप में अलग अलग डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए दो लूप अलग अलग आपने ले लिए, एक लूप में आप क्लॉकवाइज चल दिए, एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल दिए, कोई बात नहीं, चल सकता है ऐसा, आपको ध्यान रखना है। ओके, इन लूप सी बी एफ सी, सी बी ए एफ सी में हमें चलना है। तो फिर आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो एलजेब्रिक सम नेट पोटेंशियल चेंज, ये आसान है, मैथमेटिकल फॉर्म ये वाली लगाना आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेट पड़ेगी, जो अभी आपको बताया जा रहा है उसको देखिए ध्यान से क्या करना है। नेट पोटेंशियल जो आपको नजर आ रहा है, नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, यानी कि सारे वोल्टेज ले लेने हैं उस लूप के। तो इस लूप में वोल्टेज कौन कौन से, तो ईएमएफ काम कर रहा है, ई वन E2, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, यानी कि वो जीरो है, उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है, केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तीन लगे हैं, R1, R2, R3। अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल यूज हो रहा है, जंक्शन, कितने जंक्शन है, ये रहा जंक्शन, सेल वन से I1 करंट इज कमिंग आउट, सेल टू से I2 करंट इज कमिंग आउट, ये एक जंक्शन बन गया, I2 इधर नहीं जा सकती, इधर से I1 आ रही है, दोनों मिलके यहाँ चलेंगी, I2 इधर से आई, I1 इधर से आई, दोनों जंक्शन से लीव करते हुए निकल गई I1 प्लस I2। नेट करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, कमिंग I1 आ रही है, I2 आ रही है, इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन, लीव कितना कर रही है, I1 प्लस I2। फिर ये आगे बढ़ जाएगी, I1 प्लस I2 R3 से होते हुए जाएगी, फिर यहाँ जंक्शन आ जाएगा, जो करंट जहाँ से आई थी वो वहाँ चली जाएगी, I2 R2 में चली जाएगी, जो इस सेल से निकली थी उस सेल में वापस, और I1 अपने E1 सेल में वापस चली जाएगी। ये आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपको याद रखना है
जो करंट जिस सेल से निकली है वो उसी सेल में वापस जाती हुई दिखाई देनी चाहिए सिंबॉलिकली, तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक माना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन होता है जंक्शन रूल की हेल्प से, जो अभी अभी आपने देख लिया कैसे। उसके बाद लूप रूल हमें लगाना है। लूप रूल लगाते हैं, देखिए क्या करना है, सी टू बी टू ए टू एफ टू सी हम चल रहे हैं तो हम ऐसे चलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग देन यू विल टेक दैट करंट एज पॉजिटिव, एंड इफ़ यू आर मूविंग एंड करंट इज मूविंग अपोजिट टू यू देन दैट करंट यू विल टेक एज नेगेटिव। देखिए जैसे यहाँ से हमने शुरू किया तो सी से बी में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी टू ए में रेजिस्टेंस मिला आर वन, आर वन से कितनी करंट फ्लो हो रही है आई वन, तो हम भी ऐसे जा रहे हैं बी से ए की तरफ और करंट भी बी से ए की तरफ फ्लो हो रही है आई वन आर वन। फिर प्लस सेल मिल गया, ईएमएफ को देखिए, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला आपको फिर पॉजिटिव टर्मिनल मिला। सेल में नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होता है, लो पोटेंशियल, और बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होता है, हाई पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ये लो टू हाई पोटेंशियल ऐसे जा रही है। तो ये जो ईएमएफ है कैसा लिया जाएगा आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है ए से एफ में, एफ से सी में जब जाएंगे सेल है यहाँ ई टू, पहले हाई पोटेंशियल पड़ा फिर लो पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ पर ये जो ईएमएफ है ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस, हम जा रहे हैं ऐसे और करंट का डायरेक्शन है अपोजिट, आई टू करंट आर टू से फ्लो हो रही है तो माइनस आई टू आर टू, सी पे वापस आ गए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट द नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो, ये इस तरह से आपने लगाना है। और उसके बाद करंट वाले टर्म एक तरफ कर लेने आई वन आर वन और ये रहा प्लस माइनस माइनस आई टू आर टू, और ई एम एफ दूसरी तरफ भेज दीजिए प्लस माइनस माइनस ई वन उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ई टू उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन इसमें आएगी, जितनी करंट आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है उतने ही उतनी ही इक्वेशन आपको चाहिए आई वन आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास एक्स और वाई में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री तो आपको दूसरी कोई इक्वेशन चाहिए x और y में, तभी x और y की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि दो वेरिएबल हैं। जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो डिफरेंट इक्वेशन हमें चाहिए उन दोनों वेरिएबल में। तो यहाँ हमारे वेरिएबल हैं अननोन i1 i2, बाकी सब नोन है। तो i1 i2 x y की तरह बिहेव कर रहे हैं, i1 i2 में एक इक्वेशन आ गई। अगर i1 i2 की वैल्यू निकालनी है तो एक और इक्वेशन चाहिए, यानी एक और इक्वेशन के लिए हमें एक और लूप कम से कम लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आप लूप लेंगे कोई दूसरा और उससे जो इक्वेशन बना के लाएंगे वो भी पहले जैसी इक्वेशन बन जाएगी सेम, जो पहले किसी लूप से बनी है उसी सर्किट में। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको किसी तीसरे लूप पर जाना पड़ेगा, ओके ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके एक बार फिर से देखिए, लूप में लगाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ई वन माइनस लिया है, ई टू को नेगेटिव लिया है, देखिए एक बार अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो होती है ये करंट फ्लो हो रही है आई करंट, और एक बार करंट ये फ्लो हो रही है आई करंट, दो पॉइंट के बीच में फ्लो हो रही है, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, यहाँ पर भी ये सेम पॉइंट है ए और बी। तो एक बार जो पोटेंशियल एट ए होगा वी ए वी बी और यहाँ पर भी वी ए वी बी, तो क्योंकि करंट ए से बी में जा रही है, ए से बी में जब करंट जा रही है तो इन दोनों में कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, अगर आप निकालेंगे वी ए माइनस वी बी, यहाँ भी आप निकालेंगे वी ए माइनस वी बी। तो क्योंकि करंट ए से बी जा रही है, ए से बी, तो करंट जाती कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि ए का पोटेंशियल इस केस में ज़्यादा होगा, बी ए ग्रेटर होगा बी बी से, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो भी आएगी 10 वोल्ट सपोज पॉजिटिव रहेगी। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे वी ए माइनस बी बी करेंगे, करंट आ रही है बी से ए, बी से ए, और हम निकाल लें वी ए माइनस बी बी, ये
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उतनी ही वैल्यू आ जाएगी लेकिन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वी ए माइनस बी बी कर रहे हैं और इस केस में पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करती है सेल में, सेल के बाहर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्लस से निकलती है नेगेटिव में जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जब लूप के अंदर घूमेंगे तो अगर आपको पहले हाई पोटेंशियल मिला, पहले हाई पोटेंशियल और फिर लो पोटेंशियल, तो उस केस में आपका जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आप सी से चलते हुए आए, ई1 के केस में पहले लो पोटेंशियल मिला फिर हाई पोटेंशियल मिला, लो पोटेंशियल फिर हाई पोटेंशियल, ये तो ई1 कैसे हो गया, नेगेटिव ऐड हो गया, नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो गया, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ये, ओके। इसी तरह जब आप E2 के पास आए तो वहाँ पर पहले हाई पोटेंशियल है फिर लो पोटेंशियल है, तो E2 की वैल्यू पॉजिटिव। सिंपल, ये बात आपको ध्यान रखनी, किसी भी सर्किट में ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। दूसरे लूप में देखिए, कोई दूसरा लूप ले लीजिए, जैसे ये एक लूप है, इस लूप में अगर जाएंगे, चलिए इसमें चलते हैं हम D2C2F2E, चलिए E से स्टार्ट करेंगे, इसमें भी हम एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं। हर लूप के अंदर, अलग अलग लूप में आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चल सकते हैं। एक ही सर्किट के अंदर अगर आपने दो अलग लूप लिए हैं, दोनों लूप में आप अलग अलग डायरेक्शन लेके चल सकते हो, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल सकते हो, क्लॉक वाइज में चल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही लूप में आप सेम ही डायरेक्शन में चलो, कि पहले लूप में एंटी क्लॉक वाइज चलें तो दूसरी में भी एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे, नहीं, आपकी इच्छा है, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन वही रहेगी, सेम इक्वेशन रहेगी, अगर आप इसी लूप के अंदर इसको रिवर्स कर देंगे अपनी डायरेक्शन को, तो इक्वेशन यही आएगी, सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन आ जाएगी दोबारा, ओके। दूसरे लूप में देखिए एक बार इसको लगा के देखते हैं, फिर से लूप का नाम लिखेंगे इन लूप, इसको अप्लाई करना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, लूप रूल को, लूप रूल ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि बहुत आसान है, देखने में लगता है जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो बहुत आसान है। लूप रूल देखिए, लूप रूल कौन सा रूप ले रहे हैं, D2C2F2E2D, E से चल रहे हैं, चलिए E T C F E, पूरा वापस आके लिखना उसी लूप को, ओके। E से D में रेजिस्टेंस है, यस है, तो रेजिस्टेंस है R3 और करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2, किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज ऐसे, तो हमारी डायरेक्शन ये है और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, देखिए ये आ रही है इधर से, ये चली गई इधर, सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, R3 से फ्लो हो रही है, फिर प्लस आगे बढ़े डी से सी में, ना रेजिस्टेंस है ना सेल है, आगे आ जाइए सी से एफ में, रेजिस्टेंस भी है ईएमएफ भी है, तो रेजिस्टेंस है R2, करंट फ्लो हो रही है I2, हम चल रहे हैं सी से एफ और करंट भी जा रही है सी से एफ, यानी कि ये करंट भी हो गई पॉजिटिव I2 R2। फिर सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला पहले फिर पॉजिटिव टर्मिनल मिला, यानी कि पहले लो पोटेंशियल फिर हाई पोटेंशियल, तो माइनस E2, फिर आ गए आप F से E में, ना सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ का कोई मतलब नहीं, इज इक्वल टू हो गया 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा आपका I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2 और प्लस माइनस माइनस E2 उधर चला जाएगा E2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I1 R3 और यहाँ से I2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 R3 R2 प्लस R3, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। देख रहे हैं दो अलग अलग इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन I1 I2 में ये है इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन I1 I2 में ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, एक्स और वाई दो वेरिएबल में दो अलग इक्वेशन, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लास 10th में बहुत अच्छे से हमने सीखा हुआ है ना, उसमें से किसी भी एक मेथड का आप यूज़ करके इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, I1 को भी I2 को भी, और बता सकते हैं कि सर्किट की किस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर बाकी सारे वेरिएबल्स आपको गिवन हैं तो। तो ये था
किरचॉफ रूल्स, ये थे किरचॉफ रूल्स, है ना आसान, बहुत ही आसान है, एक बार आप सीख जाएंगे अप्लाई करना, बार बार देखिए अप्लाई करिए और उसके बाद जब न्यूमेरिकल्स में से आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा जंक्शन रूल लगाना भी, लूप रूल लगाना भी। जंक्शन रूल आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, लूप रूल आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, इसको याद कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड होता है।